हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ नेक्स्ट इंटेंस रेसिस बैंड वर्कआउट। और फ्रेंड्स, आज हम क्रश करने जा रहे हैं बाइसेप्स। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है क्लोज ग्रिप कर्ल। इसमें आप अपने पैर के नीचे जो है रेसिस बैंड किस तरीके से रख सकते हैं, और मेक श्योर कि जो आपके दोनों हैंडल बार है वो इक्वल रहे, ठीक है। आपकी एल्बो यानी कि आपके हैंड्स दोनों आपकी बॉडी से आगे रहेंगे इस पोजीशन में, क्लोज ग्रिप एंड पुल ऑल वे अप एंड ऑल वे डाउन, अप डाउन अप। अपनी स्पीड, अपनी इंटेंसिटी, अपने पेस को आप लोग फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट करना है या ज़्यादा स्लो करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे शुरू करिए। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसम बैंड जो है उनके लिए कोई आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मीन्स कि उसको एक बिगिनर भी बहुत ईजिली यूज कर सकता है, प्लस एक आपका एक्सपीरियंस पर्सन वो भी यूज कर सकता है, दो ही अपनी मसल्स को डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देरी करिए हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है रिवर्स बाइसेप कर्ल। उसमें आपकी पोजीशन सेम रहेगी, रिसम बैंड की पैर के नीचे सेंटर में, और आपके जो हैंड्स हैं उनकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, मीन्स लास्ट में हमारे हथेली ऊपर की तरफ थी जो हमारी पाम है, अब हमारी जो पोजीशन रिवर्स रहेगी इस तरीके से। और पुल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मेक श्योर कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर चलती रहे, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको रिवर्स कर्ल्स के बारे में। रिवर्स कर्ल्स जो आपकी बाइसेप्स के साथ साथ आपकी आर्म्स पे भी, फोर आर्म्स पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको यूज करिए, ठीक है। बैक टू बैक हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने जा रही है उसका नाम है रिवर्स सॉरी वाइड बाइसेप्स कर्ल। पोजीशन सेम, अगर आप रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो पोजीशन आप दोनों पैर के नीचे ले सकते हैं रेजिस्टेंस बैंड इस तरीके से, एंड जैसे कि नाम से क्लियर है वाइड बाइसेप्स कर्ल, इसमें आपकी पोजीशन जो है हैंड्स की थोड़ी वाइड रहेगी, एल्बोज अंदर की तरफ और आपकी पाम्स ऊपर की तरफ, एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब तक आप फील करेंगे एक बर्निंग सेंसेशन अपनी बाइसेप्स में, 40, 50, ठीक है। आप जैसे एक्सरसाइज के बीच में जैसे आपको ज्यादा सेंसेशन बर्निंग होती है तो आप बीच बीच में शेक कर सकते हैं एक्सरसाइज के अपने आर्म्स को, तो वो भी जरूरी है यार। अब देखो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसका नाम है ड्रैग कर्ल। ड्रैग जैसे कि नाम से क्लियर है, आपको अपने जो रेसिस्ट बैंड को अपनी तरफ ड्रैग करना है, एल्बोज बैक साइड पूरा खींच के बैक में, एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, शिफ्ट करना जरूरी है, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। तो पीपल, कैसा आप फील कर रहे हैं माय लवली विंग्स, आप बताइए मुझे कमेंट करके नीचे। और ये एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, आप बैक टू बैक भी कर सकते हैं, प्लस
एक वॉल्यूम वर्कआउट जो कि हर एक एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट्स बना के कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैंने आपके इसको शॉर्ट रखा है। मुझे बताइए कि आपको एक्सरसाइज कैसी लगी एंड थैंक्स टू बी ऑन।